ये स्कैनिंग मशीन लगाई है वो प्लानिंग के साथ बिल्कुल नहीं लगाई है, एक जगह तीन लगाई है, एक जगह एक लगाई है, मगर रास्ते उधर से बहुत हैं, एक रास्ता तो है नहीं है, अंदर आने के रास्ते कम से कम कोई चार पांच रास्ते हैं, इंदिरा चौक से आ सकते हो कहाँ से स्कैन है, उसके बाद आप इसी रोड से अंदर आ सकते हो कहाँ से स्कैन है नहीं, नंबर वन। नंबर दो, जो स्कैनिंग मशीन लगाई हुई है वो चलती नहीं है, कुछ चलती नहीं है, कुछ चलाते नहीं है, ऐसे दिखावे के तौर पे शुरू में रखा था, शुरू में चलती थी, एक दो लेडीज़ बैठी होती थी वो देखती थी, अब बिल्कुल टोटल बंद हो गई है, वहाँ पे कोई चेकिंग नहीं है, उन्होंने मेटल डिटेक्टर भी लगाए हुए हैं, कोई उसका देख रेख नहीं करता है, कोई चेक नहीं करता है, कुछ भी नहीं है, नथिंग, खाली दिखावे के तौर पे लगाया है, लाखों करोड़ों रुपया जो खर्च किया है वो बर्बाद। कितने दिनों में अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है और यात्रियों का आना जाना लगा रहेगा, और जो बस स्टैंड जो नया बना हुआ है उसमें जो स्कैनिंग मशीनें लगाई हैं चारों तरफ से वो कोई भी काम नहीं कर रही है, और ऊपर से मिलिटेंटों की जो वारदातें हो रही हैं उसको मद्देनजर देखते हुए मैं उनके आगे अपील करना चाहूँगा कि थोड़ी सिक्योरिटी फोर्स बढ़ाई जाए और स्कैनिंग जो स्कैनिंग मशीनें हैं उनको चलाया जाए और हर आने जाने पर जाने वाले पर नज़र रखी जाए, और हम भी गवर्नमेंट का प्रशासन का साथ देने के लिए पूरे तैयार हैं। जी, मेरा नाम सुनील बंदराल। सर जी, बोलना क्या है, यहाँ के हालात पूरे ख़राब, वैसे जम्मू में ख़राब चल रहे हैं, यहाँ पे स्कैनिंग मशीन सब बंद पड़ा है, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, कोई कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना, कोई बैग में क्या लेके आ रहा है क्या लेके जा रहा है कोई उस पर वो नहीं है, ठीक है ना। अगर गवर्नमेंट ने इतना पैसा खर्च किया है, बिल्डिंग पे इतना पैसा खर्च किया है, जहाँ पे सर्विस भी तो होनी चाहिए ना प्रॉपर, ये चक्कर है जी। जी, अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है अभी यहाँ पे, तो माहौल भी आप पैसे पता ही है जम्मू का ख़राब ही है वैसे भी, कि कोई कैसे आ रहा है क्या लेके जा रहा है, कोई स्कैनिंग का कोई सिस्टम नहीं चल रहा है यहाँ। मेरा नाम राहुल है सर। हाँ, मेरा ट्रैवल का काम है हमारा, तो हाँ आपके सामने ही है, कोई सिक्योरिटी वाला कोई कुछ नहीं है, कोई भी नहीं है इधर, अभी तो यात्रा शुरू होने वाली है अमरनाथ, तो कोई भी कोई बैग की चेकिंग नहीं, कोई कुछ नहीं है, वो आपके सामने ही है, कोई क्या पता बैग में क्या लेके आ रहा क्या नहीं, कोई भी कोई स्कैनिंग मशीन चल नहीं रही है, आपके सामने ही है। और बड़ी समस्या तो ये है इधर बस स्टैंड में पानी की सुविधा नहीं है इधर, तो आपके सामने आप देख सकते हो सिक्योरिटी बोल सकते।